गाइज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडिया कार्स ब्लॉग में। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी इको का, और ये आप हमारे सामने 2017 मॉडल देख रहे हैं जिसकी कीमत है ऑन रोड तकरीबन 550,000 रुपये। और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का लुक। और यहाँ पर हमारे नॉर्मल सी ये हेडलाइट दी गई है इसमें, और टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे इसमें। और ये ग्रिल जो है ये आफ्टर मार्केट लगवाई गई है। बीच में मिल जाता है आपको सुजुकी का लोगो, और ये फॉग लैम्प भी आफ्टर मार्केट लगवाई गई है, और नीचे ये ग्रिल भी आफ्टर मार्केट ये क्रोम लगवाई गई है सारी की सारी। और मिरर पे भी आप जो ये क्रोम देख रहे हैं ये वाली, ये भी आफ्टर मार्केट लगवाई गई है। और आगे दो वाइपर्स मिल जाते हैं आपको, तो फ्रंट से देखने में कुछ ऐसे ही लगती है ये गाड़ी। साइड वाइज लुक्स की बात करें तो एक बार मैं आपको साइड वाइज लुक्स भी दिखा देता हूँ। साइड वाइज कुछ ऐसी दिखती है मारुति सुजुकी इको। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल, पेट्रोल का इसमें यहाँ पे मिलता है आपको। और पीछे से अगर हम लुक्स की बात करें तो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का लुक। और टेल लैम्प कुछ इस तरीके के मिलेंगे आपको इसमें। और ये क्रोम जितनी भी आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट लगवाई है। और ये टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग इंडिकेटर और क्रोम का काम जो भी आप देख रहे हैं ये सब आफ्टर मार्केट हुआ है। और ये बम्पर भी आफ्टर मार्केट लगवाया है। पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह आप नहीं मिलते हैं, आपको आफ्टर मार्केट फिट कराना पड़ेंगे। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और फुल डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड डोर। और यहाँ पे आपको मैन्युअली विंडोज़ एडजस्ट करनी पड़ेंगी। और ये हैंडल दिया गया है यहाँ पे। बॉटल होल्डर वगैरह आपको नहीं मिलता है डोर पर कुछ भी। और इंटीरियर कुछ इस तरीके का दिखता है इसका। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और 7 सीटर में आपको एसी नहीं मिलती है। 5 सीटर वाले वेरिएंट में आपको एसी का ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें आपको आगे ये खाली फ़ैन मिलेंगे क्योंकि ये 7 सीटर वेरियंट है। और स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर मिलेंगे, एक ये यहाँ पर और एक ये यहाँ पे। डोर पर आपको स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, डैशबोर्ड पर मिलेंगे। और यहाँ पे हमारे कुछ ये कंट्रोल दिए गए हैं फ़ैन वगैरह के। और एसी का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको 5 सीटर वाले में। इसमें एसी नहीं है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और ये म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सारा चीज़ें जो हैं सारी चीज़ें ये आफ्टर मार्केट फिट कराई हैं। और कुछ ऐसा दिखता है इसका स्टेयरिंग व्हील। ये आप जो भी स्टेयरिंग कवर वगैरह देख रहे हैं ये सारा का सारा आफ्टर मार्केट है, और ये भी आफ्टर मार्केट लगवाया है ये इस तरीके से चलाने के लिए। और बाकी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये स्विच, ये एलपीजी आफ्टर मार्केट लगवाई है। एलपीजी गैसकेट इसमें फिट है। ये नीचे कर देंगे तो ये पेट्रोल से चलेगी, बीच में कर देंगे तो ये पेट्रोल से स्टार्ट होगी। ऑटोमेटिक आपके 5 से 10 सेकेंड के बाद एलपीजी पर आ जाएगी, और ऊपर कर देंगे तो ये एलपीजी से चलेगी। और स्पीडोमीटर की अगर हम बात करें तो स्पीडोमीटर इसका कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी सारी वार्निंग लाइट आती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है हमारा यहाँ पे ट्रिप मीटर वगैरह, और फ्यूल इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। और इसमें मिलता है आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। और काफ़ी छोटा गियर लीवर दिया गया है इसमें, आप देख सकते हैं। और ये चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है आपको आगे यहाँ पर। और हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके का मिलता है इसमें आपको, ये आप देख सकते हैं। और ये है पैसेंजर साइड सनवाइज़र। मिरर वगैरह आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये है ड्राइवर साइड सनवाइज़र, इधर भी मिरर वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पेपर वगैरह रखे हैं इसमें यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, अपना फ़ोन वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। और ये है इसका ग्लो बॉक्स, काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, लेकिन टाटा से थोड़ा सा कम है, लेकिन ग्लो बॉक्स अच्छा है ये भी। तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं और आपको इसमें दिखाते हैं कितना स्पेस इसमें पीछे की तरफ मिलता है। और आगे काफ़ी स्पेस आपको मिलता है इसमें, काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई हैं आगे।
और अब पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे से आपको दिखाते हैं कितने इसमें जो है स्पेस वगैरह मिलता है। तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं अब हम। इसे ओपन करने के लिए यहाँ से ये इस तरीके से हमें ये करना होगा। स्लाइडिंग डोर मिलते हैं इसमें आपको। तो अब हम आ चुके हैं पीछे की तरफ और ये सीट जो है काफ़ी पीछे है, फुल पीछे है, तो मुझे यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। आप देख सकते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे और आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं, स्पेस काफ़ी मिलती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो कंफर्टेबल सीटें दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल सीटें नहीं है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है मारुति इको। तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं थर्ड रो पर और आपको दिखाते हैं पीछे थर्ड रो पर हमें कितना स्पेस मिलता है। यहाँ पे तो स्पेस ठीक ठाक है, तो हम थर्ड रो पर जा रहे हैं और सीट्स कुछ ऐसी दी गई हैं इसकी। बीच में दो लोग बैठेंगे, पीछे तीन लोग, दो आगे, सेवन सीटर बनती है ये। तो हम आ चुके हैं थर्ड रो पर। तो थर्ड रो पर आप देख सकते हैं मैं जो हूँ बहुत ही टांगे बिल्कुल ऐसी करके बैठा हूँ, तब इतनी स्पेस मिल रही है और स्पेस जो है काफ़ी तंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेस जो है कुछ कम है, थोड़ा सा अगर सीट्स थोड़ा और आगे होती तो स्पेस थोड़ा और बढ़ जाता, या सीट ये थोड़ी पीछे होती तो स्पेस यहाँ पे आपको थर्ड रो पर कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन सही है, ठीक ठाक है अपने हिसाब से। और बीच में, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाता है क्योंकि आगे की ये सीट जो है दो लोगों के लिए है सिर्फ, तो यहाँ पे काफ़ी जगह मिल जाती, तो इसलिए आप यहाँ पे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, कितने भी आराम से आप यहाँ पे इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो ये तो हो गई बात, थर्ड रो पर स्पेस आपको थोड़ा सा कम मिलता है और बाकी डोर आपको यहाँ से भी आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे, पावर विंडो वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगी इसमें, बेसिक सा मिलता है ऑप्शन। और इससे हम नीचे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसे ऊपर कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और इसमें आपको मिल जाते हैं 13 इंचीस के स्टील व्हील। टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 13 इंचीस के टायर मिल जाते हैं, 155 R13। और साथ ही अगर हम बात करें इसके माइलेज की तो इसमें आपको 15 से 16 का माइलेज ये आराम से दे देती है। और इसमें मिलता है आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं साइड में। तो यही थी कुछ जानकारी, और कैसी लगी आप सभी को वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कार्स और बाइक से रिलेटेड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, टेक केयर, बाय बाय।